सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं। कंप्लीट ग्राफ होते हैं जिसमें सारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट हों, सारे वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड रहना चाहिए, उसे बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। इसको हम डिनोट करते हैं के एन से, ठीक है। क्वेश्चन में जब गिवन होगा तो डायरेक्ट ये नहीं गिना लिखा नहीं होगा कि ये कंप्लीट ग्राफ है, हमें बोला जाएगा इस फॉर्म में, के एन की फॉर्म में दिया जाएगा, जिसमें n जो होगा वो 1 हो सकता है और 1 से ज़्यादा हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बोले K1 यानी कि 1 वर्टेक्स, तो हमारे पास 1 वर्टेक्स के लिए हम एक डॉट बना सकते हैं, और वर्टेक्स स्टैंड अलोन एंटिटी है तो ये बिना एज के भी इसका वजूद रहता है, ठीक है। तो अगर K1 बोले तो हमारा एक वर्टेक्स वाला ग्राफ बनेगा। सिमिलरली K2 क्या बनेंगे, हमारे पास दो वर्टेक्स रहेंगे और इसको कनेक्ट करता हुआ एक एज रहेगा, ठीक है। एज क्यों रहेगा, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है, हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करना है। ऐसे ही K3 हो जाएगा 3 वर्टेक्स और इसको कनेक्ट करने वाली एजेस, ठीक है। एंड K4 विल बी 4 वर्टेक्स और कनेक्ट करने वाली इसकी एजेस। सिमिलरली हम KN तक जा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमें K10 का या K15 का अगर हमें बनाना है तो हम उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव साइकिल्स। साइकिल्स को हम डिनोट करते हैं CN से, जैसे हम कंप्लीट ग्राफ को डिनोट करते हैं KN से, साइकिल्स को करते हैं CN से। इसमें उसमें कंडीशन क्या थी कि 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है n, यहाँ पे कंडीशन क्या है, n 3 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर n 2 होगा यानी कि हमारे पास वर्टेक्स हमारे 2 होंगे, तो इसमें कोई साइकिल तो बन नहीं रही है, हमें एटलीस्ट 3 वर्टेक्सेस चाहिए एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो साइकिल्स के एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे n हमारा 3 है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर हम 3 सबसे बेसिक 3 लेंगे, 3 यानी कि हमारे पास 3 वर्टेक्सेस है और इसको कनेक्ट करते हुए एजेस, तो ये हमारा साइकिल होगा। ऐसे ही C4 जो है 4 वर्टेक्स है और इसको कनेक्ट करती हुई एजेस, ठीक है। तो हमारा साइकिल होगा 4 नोड्स का, पर ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट ग्राफ आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सिर्फ साइकिल रहेगा। साइकिल और कंप्लीट ग्राफ में ये डिफरेंस होता है। ऐसे अगर हम C5 का देखें, यानी कि 5 नोड्स रहेंगी, ठीक है, और इनको कनेक्ट करेंगी एजेस, बट ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। क्यों, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे, ठीक है। तो साइकिल्स और कंप्लीट ग्राफ में हमारा ये डिफरेंस है। देन आता है व्हील्स। व्हील्स जो होता है WN से हम डिनोट करते हैं। ये व्हील्स भी साइकिल की तरह होते हैं। अगर साइकिल की तरह होते हैं मतलब इसकी n की कंडीशन क्या होगी, हमेशा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसमें एक अलग से एक वर्टेक्स हम ऐड करते हैं, वो वाली जो वर्टेक्स होती है वो सारे बाकी के वर्टेक्सेस को कनेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमारा साइकिल जो 3 था वो तो हमारा ऐसे, ठीक है, पर हमारा जो व्हील हो जाएगा उसमें एक हम ऐसी वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे जो सारे वर्टेक्सेस को कनेक्ट करे। ऐसी W4 के लिए हमारे बनेंगे 4 वर्टेक्स, ये हमारी है साइकिल, पर हमने व्हील के लिए एक अलग से वर्टेक्स डाला जो सारे वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है। ऐसी 5 के लिए ये था हमारा साइकिल 5 वर्टेक्सेस का, पर हमने इसमें एक अलग से वर्टेक्स डाला, एक एडिशनल वर्टेक्स डाला जो सारे वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा व्हील। कंप्लीट ग्राफ, साइकिल ग्राफ एंड व्हील ग्राफ, ठीक है। इनका क्या यूज़ है, हम इस एग्जांपल देखते हैं इसमें कि कैसे एग्जांपल्स में ये काम आता है, ओके। तो हमें क्वेश्चंस का कह रहे हैं कि हमें पूछ रहे हैं C6 बाइपार्टाइट है या नहीं।
अब सी सिक्स क्या था? सी सिक्स था हमारा साइकिल, हम सी डिनोट करते हैं साइकिल के लिए, जो कि सिक्स नोट्स के साथ है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इससे कनेक्ट करती है सारी एजेस। ये हमारा क्या बन गया, एक सी सिक्स साइकिल बन गया, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक है, ये हमारा बन गया एक साइकिल। हमें अब ये पता करना है कि ये बाइपार्टाइट है या नहीं है। और बाइपार्टाइट क्या होता था कि हम सारे वर्टेक्स को ऐसे डिसजॉइंट सेट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि सारी एजेस एक 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 सेट में कनेक्ट करें और दूसरी दूसरा एंड दूसरे सेट में कनेक्ट करें। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करें? इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि सारे ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स को एक सेट में डाल दो, यानी कि एक सेट में बन जाएगा ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स। अगर V1 से स्टार्ट करें तो ऑल्टरनेटिव क्या आएगा? V3 देन V5। ऐसे ही यहाँ पे अगर V1 आ गया तो ये V2 हो जाएगा, V4 हो जाएगा एंड V6 हो जाएगा। ठीक है, अब V1 से जो वर्टेक्स निकल रही है वो किसको कनेक्ट कर रही है? V2 को कनेक्ट कर रही है। और किसको कनेक्ट कर रही है? V6 को कनेक्ट कर रही है। ऐसे V2 से एक V1 को हो रही है जो कनेक्ट हो चुकी है, और एक V2 हो रही है V3 से। ठीक है, V3 हो रही है V4 से, V4 हो रही है V5 से एंड V5 हो रही है 6 से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सारे सारी जो एजेस का एक एंड है वो एक सेट में और दूसरा एंड है वो दूसरे सेट में है, तो ये बाइपार्टाइट है। यस, इट इज़ अ बाइपार्टाइट। ठीक है, अब K3 देखना, K3 बाइपार्टाइट है या नहीं। K3 क्या होता था हमारा? कंप्लीट ग्राफ के लिए करते थे तीन नोड्स के साथ। कैसे बनेगा? तीन नोड्स के साथ ये हमारा बन गया कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे डिवाइड करना है दो सेट्स में डिवाइड करना है, ताकि हम पता कर सकें कि ये बाइपार्टाइट है या नहीं है। वही सिंपल लॉजिक कि ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स को एक सेट में डालना है। अगर ये V1 यहाँ है तो V2 यहाँ रहेगा एंड V3 यहीं रहेगा। तो हम कनेक्ट करेंगे, V1 से कनेक्ट क्या हो रहा है? V3 कनेक्ट हो रहा है, और V1 से कनेक्ट हो रहा है V2, और V2 और V3 कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाली तो एजेस ठीक है, बट ये एक ही सेट में कनेक्ट हो गई ना। पर बाइपार्टाइट क्या कहते हैं कि एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए, पर ये एक ही सेट में कनेक्ट हो गई तो ये बाइपार्टाइट नहीं है। ठीक है,